हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज है क्या 25 अक्टूबर, और भाई वीरेंद्र कुमार जो कि यूपी अमरोहा से बिलोंग करते हैं, हमसे लाइव जुड़ने वाले हैं। भाई का टेट टेस्ट हो चुका है और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम भाई के पास चलें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के बाजू में आपको दिख रहा होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें, दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो आती है पसंद तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं भाई वीरेंद्र कुमार जी से। हेलो भाई, बोलिए, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, थोड़ा परिचय। हाँ, थोड़ा लाउडली बोलिए, आवाज अच्छी आनी चाहिए। हेलो, आप भाई उनको बैठा रहे हैं, उसके बाद बायोमेट्रिक करा रहे हैं, उसके बाद अंदर ले जा रहे हैं। और आटा सबसे पहले इसका सेटअप है आटा के लिए, आटा बांट के रोटी बनाने के लिए। मैंने वो भी क्लियर कर लिया। उसके बाद बोलते हैं कि मसाले पे लेके जाओ, मसाले पे लेके गए, मसाले भी सारे बता दिए फटाफट। उसके अच्छा, बाद मैंने आपका लीलवाय में था ना, लीलवाय आज ही था ना, लीलवाय में। हाँ, लीलवा में आती था, अभी नहीं देके वापस ही आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ। तो फिर उसके बाद बोले कि आप भिंडी काट के लाओ। मैं बोला सर ठीक है। मैंने 5 भिंडियाँ उठाई और उनको सही तरीके से काटने चाहिए थे, वैसे ढंग से काटा। बोले ठीक है, अब एक काम करो कि अब लौकी की सब्जी बनाओ। तो मैंने लौकी छिलके, हाँ बोलिए। काट के बनाया, बहुत ही कम तेल डाला उसमें, बहुत कम मसाला यूज करा, हाँ बना के सब्जी दे दिया उनको। बोला ठीक है, अब हाँ आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। हाँ हाँ, ट्रेन में यही प्रॉब्लम जाती है। हाँ, तो आपका सब्जी का टेस्ट क्वालिटी। हाँ तो वो बोले आप उधर खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए। मैं बोला सब ठीक है, मैं खड़ा हो गया। तो लगभग 5 से 10 मिनट तक वहां खड़ा रखा। उसके बाद बहुत टाइम बाद आके वो बोल हाँ हाँ बोलिए, क्या बोले, बहुत टाइम बाद। हेलो, आपकी आवाज जा रही है बिरेन जी। ज्यादा डाला, हाँ, थोड़ी ना जाएगा। हेलो, हेलो, ये तो बता दो। मतलब आपने मसाला ज्यादा डाला, मतलब सर मसाला नहीं डालता तो इसमें स्वाद कैसे आता। हाँ हाँ, तो मैं बोला उनसे सर मैं एक बार चेक के देख सकता हूँ कि हाँ मैं सही में मसाला ज्यादा है या कम है। तो बोले नहीं, आप जा सकते हो यहाँ से। उसके अच्छा, बाद पहुंचे वाले हाथ पकड़ा और निकाल लिया और ले जाओ। मतलब हाँ सब कुछ ठीक था, बिल्कुल परफेक्ट था। ये नहीं कि मैं एक्सपीरियंस, मुझे बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत काफी था। वैसे मैं खुद का मैच चलाया था, मैंने मुझे हाँ एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैं बोला कि सर मैं एक बार चेक कर देख सकता हूँ ना कि मसाला मेरे सही में ज्यादा है या आप ही ज्यादा बता रहे। तो बोले नहीं, आप जा सकते हैं यहाँ से। अच्छा, ऐसा तो नहीं किया बीरन जी आपने कुछ ऐसा अभद्रता का व्यवहार जिससे उनको। हाँ अच्छा, हाँ हाँ तो मिस्टेक्स आपकी मसाले में, बोली कि मसाले ज्यादा कर दिया आपने, है ना। हाँ, वो तो उनके मूड के ऊपर डिपेंड है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है ना। हाँ, बस यही है कि वो अगर मैं सब्जी मेरी खराब होती तो पहले ही, जैसे उन्होंने चखा था पहले ही भी बोलते थे कि आप अनक्वालिफाइड हो जा सकते हो। मैंने 5 मिनट तक वहां के 10 मिनट तक खड़ा रखा वही बाहर। हाँ रुको अभी अभी बताते हैं। उसके बाद तब 5 से 10 मिनट के बीच में मतलब बोले तुम अब जा सकते हो। अच्छा बीरन जी, आप जो बताइए, आपकी रोटी वोटी तो बड़े आराम से क्वालिफाई हो गई, अच्छी फुलाई थी आपने, है ना। पहले रोटी है क्वालिफाइड, उसके बाद
मसालों में वो भी क्वालिफाइड, उसके बाद कटिंग और वेजिटेबल उससे भी क्वालिफाइड, उसके बाद बोले कि आप सब्जी मिट्टी कटवाया था मेरे से, फिर बोले आप लौकी बना के लाओ। हाँ लौकी बना के लेके गए और सही ढंग से जैसे बनाना जैसे होना चाहिए लौकी बना हुआ वैसे ही बनाया था। हाँ। और उन्होंने कर दिया बाहर से। तो आज टोटल कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं? मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया, सही बोला था कि सर अगर मसाला ज्यादा तो एक बार मैं चक्के देख सकता हूँ, बोले नहीं आप जा सकते हो। हाँ हाँ खैर एक बार उन्होंने बोल दिया तो फिर वो ऐसे नहीं मानते। हाँ मैंने नहीं उनसे जब बोला कि वो बोले कि यानी मसाला आपने ज्यादा डाला है सर, अगर ज्यादा है मसाला पहली बार तो बिना सब्जी में मसाला नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं आएगा, अगर ज्यादा है तो मैं एक बार चक्के देख सकता हूँ, नहीं तो बोले नहीं आप जा सकते हो। हाँ अच्छा बोल रहे होंगे कि हाँ चाकने की बोल रहा है और पहले ही से उन्होंने ऐसे बोल दिया तो फिर क्या। हाँ सही है। अच्छा वीरेंद्र आप जी बताइए आज बच्चे कितने आए थे वहाँ नहीं वो पे? अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर रहे हैं तो है, वही है बस, ऐसा नहीं है कि मेरा बैच था और उससे पहले शायद कोई भी बच्चा उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया था। उनका कोई पैरामीटर फिक्स नहीं है ना, उनके मन के ऊपर डिपेंड है, जिसको आ गया उसको ले लिया, जिसको नहीं आया उसको नहीं लिया, बस नहीं सर ये। मन मन के ऊपर भी डिपेंड है, लेकिन एक चीज और भी तो है, जो बच्चा मेहनत करके जा रहा है हाँ जो परफेक्ट है हर चीज बनाने में, फिर उसको भी निकाल देंगे, ये तो फिर उनका वो हो गया ना कि उसको तुम कुछ भी सपोर्ट दे सकते हो, कुछ भी कह सकते हो कि उनके मन की रहेगी या किसी और हाँ का जी हुआ है। सही बात है, जो आपने बोला है वो करके दिखा रहे हैं, फिर अच्छी चीज में भी मिस्टेक्स निकाल रहे हो तो फिर ये तो गलत हो जाता है। सही है। हाँ नहीं अच्छा सर बस इतना बताना था कि अब जो भी बच्चा आगे जाए अपना ध्यान से देखो, मसाले तो कम से कम यूज करना है, अगर सब्जी तक बात आती है तो मसाले तो कम से कम यूज करना है, जो कल कल शायद लास्ट है इसका। हाँ और एक चीज और है वहाँ पे, वो आटा जो देते हैं वो दो रोटी का आटा देते हैं। हाँ हाँ आटा जो देते हैं वो दो रोटी का देते हैं, उसमें से बराबर आधा आधा कर लेना है। हाँ हाँ उसके रोटी परफेक्ट रोटी तभी बन पाएगी जब उसमें से बराबर आधा आधा आटा कर लेंगे, तभी रोटी बढ़िया बनेगी और फूलेगी भी और गोल भी मतलब तो सही बनेगी। हाँ उसके उसके बाद सब्जी कटवाए या कुछ भी कराए तो हाँ सब्जी काटने का वहाँ उनको क्या तरीका है, बस तो यही कर रखा है कि उन्होंने सब्जी बिल्कुल जितना भी पीस कटना चाहिए सब बराबर बिल्कुल बराबर होना चाहिए, हाँ ये नहीं है कि एक छोटा कट गया एक बड़ा कट गया एक छोटा कट गया एक बड़ा कट गया, नहीं बिल्कुल जैसे कि उन्होंने भिंडी दे दिया तो बिल्कुल बराबर बराबर साइज का कटना हाँ चाहिए। और मसाले तो वही ज्यादा है वही जो डेली यूज होते हैं वही मसाले हैं। अच्छा अच्छा वीरेन जी आप जो बताइए आज कितने बच्चे आए थे टोटल, कितने कैंडिडेट आए थे आज, आपकी आवाज कुछ समझ नहीं पा रहा थोड़ा सा, कितने कैंडिडेट आए थे आज वहां पे सेंटर पे? सेंटर के अंदर 1 से 1.5 घंटा अंदर रहा था, मतलब मैं वो दाल बनाया था तो उसे बोला था कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाओ। और एक अच्छा आपके देखते हुए एक बच्चा वहां पे सिलेक्ट हो गया था है ना, और आज बच्चे कितने आए थे टोटल, कितने कैंडिडेट आए थे, 400 300 कितने आए थे? 400 से ऊपर और 500 के कम है, क्योंकि बच्चे जा रहे हैं काफी। और आपने देखा होगा एवरेजन कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए होंगे आज, अंदाज से 4 5 हो गए होंगे। हाँ अच्छा 400 से 500 के बीच में होंगे, पूरे 500 तो नहीं थे एब्सेंट, तो काफी बच्चे थे आज। हाँ और बच्चे भी सिलेक्ट हो गए होंगे 5 6 के समथिंग, आज कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए थे, 6 5 कितने? तो खैर बात सब हुए होंगे, लेकिन मेरे सामने तो एक ही बच्चे के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा था, अच्छा उसके बाद मेरा नंबर आने वाला था, 10 मिनट तक खड़ा रखा और उसके बाद भेज दिया, बोला तुम जा सकते हो, मतलब साहब ये तो बता दो कहाँ गलती हुई कि आपका मसाला ज्यादा है, मतलब मसाला तो सब्जी में गिरेगा तो तभी तो टेस्ट आएगा, बोले मैं बोला फिर चक्के देख सकता हूँ, तो बोले नहीं चक नहीं देते आप जा सकते हो बस। हाँ अच्छा बिरन जी जो बच्चे मिस्टेक्स क्या कर रहे थे आज सबसे ज्यादा गलतियां? हाँ मसाले और तेल सबसे ही कम यूज करना है,
एकदम। और एक चीज और कि वहाँ जो सब्जी बनाना है वो खाली एक ही आदमी का बनाना है। अच्छा हाँ, ये नहीं है कि उसने बोलते कि आप दाल बना के लो और बना के लाओ, उसमें एक कटोरी दाल भरी और बना दियो। हाँ सिर्फ एक ही आदमी का बनाना है। हाँ एक आदमी का तो बनवाते ही। हाँ बस वो भी अपना एक कटोरी के अंदर कोई भी सब्जी हो, एक कटोरे जो होती है अपनी नॉर्मल वाली उसी के अंदर आ जानी चाहिए। जी जी अच्छा तो ठीक है बिरेन जी, आप जे बताइए। हेलो, हाँ मैं जे बोल रहा हूँ, जैसे वहां पे आपको धांधली समझ में आ रही है क्या? कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर पैसे ऐसे का चल रहा है। अच्छा तो ठीक है, आवाज आपकी डिस्टर्ब आ रही है यहाँ पे, अच्छे से आवाज क्लियर नहीं आ पा रही और मेरी भी शायद पहुंच नहीं रही है ना। अच्छा ठीक है, तो ठीक है बिरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये तो थे बीरेन कुमार जी जो कि यूपी के अमरोहा से बिलोंग करते हैं। भाई का टेस्ट आज हो चुका है आपके लीलवाए में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि भाई ने बताया सब टेस्ट क्वालिफाई किए बट लास्ट में उनको निकाल दिया मसालों की वजह से कि आपने मसाले ज्यादा यूज किए हैं। तो भाई ने एडवाइस भी आपको दी है कि आप मसाले कम से कम यूज करें, सब्जियां एक जैसे फीस में काटें और रोटी के लिए आपको जो आटा दिया जाता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें, एक पार्ट परथन के लिए एक पार्ट रोटी बनाने के लिए। ये सारी एडवाइस आपको भाई ने दी है। और ऑफिसर्स का मूड रहता है किसको सिलेक्ट करना है किसको नहीं, वहाँ पर सब कुछ 100% करने के बाद भी कभी कभी मिस्टेक्स निकाल देते हैं आपके व्यंजन में जो कुछ आप बनाते हो। तो दोस्तों यही सब बातें थी, भाई से बात अच्छे से इसलिए नहीं हो पाई, वो अभी ट्रेन के अंदर चल रहे हैं तो हमारी आवाज़ कुछ पहुँच रही है कुछ नहीं पहुँच रही, उनकी भी कुछ आ रही है कुछ नहीं आ रही, तो मैंने ज़्यादा उनसे बातें नहीं की। लेकिन हाँ जो खास खास पॉइंट थे हमने उनको डिस्कस कर लिया है। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में अभी कोई कमेंट्स क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करते जाएं। ओके टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।